सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है जूना नागरिक एकता जूना पैनल जो बहुमत से कृषि काल से हम कह सकते हैं कि जो युवकों को मौका देकर चुन कर लाया गया, आप लोगों काफ़ी योगदान, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं हमारे सभी साथी 15 साथी हमारे जो चुन के आए नागरिक बैंक पे उनका मैं पहले तो अभिनंदन करूँगा, लेकिन आपके माध्यम से एक बात भिवंडी वालों को मैं कहना चाहूँगा कि ये बैंक को 70 साल हुआ है और 70 साल होने के बाद वो बैंक में कुछ लोग बैठते थे तो उठने को तैयार नहीं थे, लेकिन माननीय महेश चौगुले साहब हमारे आमदार जब से वो नागरिक बैंक में एंट्री मारी है एक अपनी ताकत बनाई है, एक लोगों का विश्वास उन्होंने पाया। लेकिन ये जो इलेक्शन 70 साल के बाद जो हुआ है ये इतिहास है भिवंडी के, इसमें भिवंडी के इतिहास में एक अनोखा एक उदाहरण है कि आमदार महेश चौगुले अगर चाहते थे तो अपने लोग सभी को चुन के ला सकते थे, लेकिन उन्होंने एक भिवंडी की मिसाल बनाई कि MLA कैसा होना चाहिए, आमदार कैसे होना चाहिए। इन्होंने पूरे भिवंडी के सभी पार्टियों को साथ में लेके सभी को एक एक उम्मीदवार दे के सभी को साथ में लेके कि ये भिवंडी की बैंक हमारी बैंक है और ये बैंक को हम सबको विश्वास में लेके आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, ये संदेश उन्होंने दिया है। तो मैं तो कहूँगा ये भिवंडी नहीं महाराष्ट्र के लिए मिसाल है कि आमदार कैसे होना चाहिए। मैं महेश चौगुले का दिल से अभिनंदन करता हूँ और ऐसे आगे बढ़े ये ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। आपके कार्य कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, 15 जो आपके उम्मीदवार थे वो बहुमत से चुनकर आए, क्या कहना चाहेंगे, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस बीच? नहीं, कठिनाई का कोई सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार थे पूरे साफ दिल के थे, सब अच्छे उम्मीदवार थे, तो उनको चुना के लाने के लिए मेरे को तकलीफ होनी हुई नहीं क्योंकि उनके ऊपर कोई क्लेम ज़्यादा नहीं, कोई नई क्लेम था। और मैंने सबको भिवंडी है अपनी भिवंडी है तो सभी को एक साथ लेके जोड़ने की ताकत एक ही प्रयास किया और मैं सफल हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट जूना नागरिक जूना पैनल को मिला है और यही जो हमारे शेयर होल्डर थे उनका विश्वास हमारे पे आया और उन्होंने इतना अच्छा वोट दिया कि ऐसा वोटिंग कभी हुआ नहीं था ना आगे कभी होगा। लेकिन ये बात है कि ये लोग, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये सभी मिलके भिवंडी के विकास के लिए, भिवंडी के छोटे मोटे व्यापारियों के लिए अच्छा लोन प्रदान करेंगे, अच्छे लोन बांटेंगे और ये बैंक को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मैं इनसे सभी को एक मेरी गुजारिश और भिवंडी की तरफ से गुजारिश करके तुम अच्छी बैंक चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे भी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, इतना ही बोलता हूँ। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ते हैं और लड़के भी, जब वाइस चेयरमैन जब ये हिंदू रहेगा तो चेयरमैन मुस्लिम रहता है, जब मुस्लिम हिंदू चेयरमैन रहेगा तो वाइस चेयरमैन मुस्लिम रहेगा। वैसे ही महिलाओं में 2 सीट है तो एक हिंदू है एक मुस्लिम है, एक हम एक जोड़ने का प्रयास करते हैं। वैसी परंपरा जो 70 साल से हमारे बुजुर्ग ने जो बैंक चलाते थे, जो बैंक फाउंडर थे, उन्होंने जो बैंक खड़ी की उन्होंने लगाई, वो परंपरा हम आज तक चलाते आए। इसके लिए हमारी दोनों महिला जूनियर पैनल से अच्छे मतों से चुन के आई है तो ये हमारी ताकत है, महिलाओं की भी हमारे साथ है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।